हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग आज हम क्लास एट एस एस सी की बात करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन चैप्टर नंबर ठीक है इसमें हम बात करेंगे बेटा जो हमारे बॉडी के अंदर ठीक है फ्लूड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हार्ट है और हार्ट क्या करता है ब्लड को पम्प करता है ठीक है तो इस आप क्लास सिक्स में भी पढ़ चुके हो वेल डेवलप सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जिसमें न्यूट्रिएंट्स गैस हार्मोन जो बॉडी के अंदर क्या किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर ठीक है तो दिस सिस्टम सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका नाम था ब्लड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट के बारे में ठीक है बेटा तो देखो इन ह्यूमन बींग प्रेजेंट इन वेरी वेरी वेल डेवलप क्लोज सिस्टम ठीक है जो सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम है 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 जो से बोल सकते हैं blood vessels, आता ठीक है थीके? तो बेटा देखो यहाँ पे जो ब्लड है blood vessels है और हार्ट है उसको बारे में हमें स्टडीज करने हैं ठीक है तो जो uh, हमारे ब्लड uh, है वो कैसा है ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है ठीक है जो ब्लड सर्कुलेट होता है ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में क्या कैरी करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है है हर एक बॉडी के सेल तक और इट बना होता प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का देयर आर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स कॉर्पल्स कौन कौन से आरबीसी डब्ल्यू बी सी एंड इोसाइड आरबीसी को क्या बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं आरबीसी को क्या बोला जाता है बेटा RBC को बोला जाता है रेड ब्लड सेल जिसका अंदर नेम है इरिथ्रोसाइट क्या बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी जो है बेटा वो क्या है ल्यूकोसाइट डब्ल्यू को किस नाम से जानते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से जो व्हाइट ब्लड सेल है ठीक है ये कलरलेस होता है व्हाइट कलर का होता है जो रिथ्रोसाइट है वो रेड कलर का होता है ठीक है और एक हमारे पास होता है प्लेटलेट जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है जिसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं इसको प्लेटलेट्स इट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट साइट राइट right? तो ब्लड इज अ अड कनेक्टिविटी से फिफ्टी फाइव हिस्सा ब्लड का प्लाज्मा है और फोर्टी फाइव पार्ट जो है ब्लड सेल्स जिसमें तीनों आ जाते हैं डब्ल्यू बीसीटलेट ठीक है तीनों. क्या बोलते हैं WBC को को thrombos... RBC को को ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोस, क्या क्या बोलते है? को क्या बोलते है? और plasma, ये करके बनाते हैं हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट जिसका नाम हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ठीक है और इसकी की बात करें तो का होता है ठीक है बाई कॉन्वेक्स से बोल सकते हैं डब्ल्यू लार्जर लार्ज होता है बड़ा होता है कंपेयर में जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण वो कलरलेस होता है कोई कलर नहीं होता है ब्लड प्लेटलेट्स कलरलेस होते हैं लेकिन डिस्क सेप क्या होता है सेल विदाउट न्यूक्लिया ठीक है किसमें न्यूक्लियस नहीं होगा तो प्लेटलेट्स में और प्लेटलेट्स uh, में न्यूक्लियस नहीं होगा ठीक है मेच्योर मेमेलियर आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा लेकिन RBC में न्यूक्लियस अलेबल होगा किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा ब्लड कैरी थ्रू आउट द बॉडी इन साइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ब्लड क्या बोलते हैं इसको ब्लड बेसल्स बोलते हैं ये ब्लड बेसल्स भी थ्री टाइप के होते हैं कैपलरीज बेन्स एंड आर्ट्रीज ओके देर आर थ्री टाइप ऑफ ब्लड बेसल्स ब्लड बेसल की संख्या कितनी बेटा थ्री टाइप के होते हैं कौन कौन से आर्ट्रीज होते हैं वेन्स होते हैं एंड कैपिलरीज होते हैं ठीक है आर्टरीज जो होता है बेटा तो थिक वॉल्ड होता है कैसा होता है थिक वॉल्ड मतलब मोटी वॉल्व का होगा जिसकी वजह से इसमें आ, कोई भी वॉल्व नहीं प्रेजेंट होगा और ये ब्लड की फ्लुएंसी बढ़ा देगा ठीक है इलास्टिक होता है मस्कुलर वेसल्स होता है दो तो कैरी करता है ब्लड प्योर ब्लड हर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक वहीं अगर वेन्स की बात करें तो ये थिन वॉल्ड वेसल्स है थिन वॉल्ड वेसल्स होते हैं ठीक है और इसमें वॉल्व अलेबल होते हैं क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू आर्ट्रीज और ये ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं और कैपलरी जो होता है बेटा ये कनेक्ट करता है आर्टरीज एंड को बोल सकते हो या सेल्स को तो ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिंग आर्टरी एंड ओके okay? तो यहां ब्लड का मैंने छोटा सा बुक्स से डायग्राम निकाला जिसमें आपके लिए प्लाज्मा जो है फिफ्टी फाइव परसेंट मैंने बताया ब्लड को और जो आर बी सी है मतलब तीनों आएंगे इरिथ्रोसाइड ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स जो फोर्टी फाइव परसेंट ठीक है तो प्लाज्मा में वाटर होगा नाइनटी परसेंट ब्लड प्रोटीन्स होंगे साल्ट होंगे अदर सब्सेंट लाइक हार्मोन्स होगा ठीक है एलव्यूनोग्लोब्यूलिन फाइब्रोनोजिन प्रोथ्रम्बीन एंटीबॉडी ये सारा प्लाज्मा में पाया जाता है ठीक है अदर सब्सटेंस में लेके फूड कौन कौन से ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड ये सब के सब आ, ये आपको प्लाज्मा में मिलेगा रेस्पिरेटरी गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर सी टू है वाटर वेपर है ये भी आपको अदर सब्सटेंस में मिल जाएगा ठीक है एस्क्रेटरी प्रोडक्ट यूरिया यूरिक एसिड अमीनो एसिड ये भी प्लाज्मा का पार्ट है हार्मोन भी प्लाज्मा का पार्ट है

बस ये आपके डब्ल्यू बी सी के टाइप है जो आपको इतना याद रखना है तो प्लीज ये याद रखिएगा नाम लिख लीजिए नोट कर लीजिए और कौन डब्ल्यू के डब्लू बी सी के फाइव टाइप हैं नेम मैंने बताया मोनोसिस्ट लिम्फोसिस्ट एसिडोफिलस वेसिनोफिलस न्यूट्रोफिलस पांच तरह के डब्ल्यू बी सी होते हैं ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूअल और ए ग्रेन्यूल के बेस पे ठीक है दो टाइप के ग्रेन्यूअल के बेस पे हो गए और एक ग्रेन्यूल बेस पे दो टाइप थ्री टाइप ग्रेनल बेसिस हो गए और दो टाइप के हो गए एक पे ठीक है आरबीसी और प्लेटलेट्स में आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा ठीक है ये आपके ब्लड का पार्ट हो गया जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन गैस को आ, कहां से कहां तक ले जाता है वेरियस पार्ट से वेरियस पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है ठीक है ओके अब हॉर्ट की बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे हॉट का डायग्राम आपको शो कर रखा है ठीक है तो यहाँ समझ जाओ ये जो हार्ट है इसमें बहुत सारे आपको चीजें देखने को मिलेंगी राइट क्या क्या देखने को मिल रहा है हार्ट में आपको ब्लू कलर्स के पाइप दिख रहे हैं जो पूरे बॉडी से ब्लड को कनेक्ट करता होगा ले आता होगा वेन्स है पलमेनरी वेन्स और इंटेरियर वेन्स होते हैं ठीक है इन्फीरियर एंड इंटीरियर एंड इनफीरियर और जो ये आ, क्या है आर्टरीज है ठीक है जो पूरे बॉडी में, में अरोटा आर्ट्रीस में, आर्ट्रीस में, के थ्रू पूरे बॉडी में आर्टरीज में आर्टरीज पूरे बॉडी में के हेल्प पूरे ब्लड को पहुंचाने का काम करता है ठीक है तो ये ऐसा है हमारा बॉडी का हार्ट ठीक है तो स्ट्रक्चर ऑफ द हॉर्ट के बारे में आपका सिलेबस है ठीक है तो हॉर्ट किस शेप का होता है तो ये पियर सेप का होता है हार्ट का सेप अगर बताया जाए तो इट इज अ मस्कुलर पियर सेप आर्गन विच लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी बट स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड इधर टुवर्ड लेफ्ट साइड ठीक है और इसकी जो साइज होती है वो हमारे क्लिंच के बराबर होती है तो मुट्ठी के बराबर होती है इन एडल्ट ह्यूमन हॉर्ट की जो अबाउट uh, अगर नापा जाए लेंथ में तो 12 सेंटीमीटर मिलता है और 9 सेंटीमीटर उसकी ब्रॉडनेस होती है ब्रेंथ ठीक है वेट पता किया जाए तो 300 ग्राम होगा और हॉर्ट जो बना होता है वो कॉर्डिक मसल सेल का बना होता है तो हॉट किस सेल का बना है मसल्स का बना है तो कॉर्डिक मसल का जो कभी नहीं थकता है तो इसलिए बोलते हैं नेवर फैट ठीक है टनेस नहीं होता ठीक है पूरा जब से हम लाइफ लिए हैं तब से होल लाइफ ये वर्क करता रहता द डबल डबल जो है वो है वो लेयर से बाउंडेड बेटा इसलिए इसका नाम दिया गया है पेरी कार्डियम पेरी कार्डियम और उन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूड पाया जाता है जिसे पेरी कार्डियल फ्लूड बोलते हैं जो शॉक से और इंजरी से बचाता है हॉर्ट को प्रोटेक्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर आप हॉर्ट की अगर बात करते हो तो हॉर्ट में चार चेम्बर्स मिलेंगे ठीक है हार्ट को अगर हम देखो पहले तो आप एक सेप्टम पाया जाता है ठीक है में, okay? में क्या है सेप्टम है जो राइट और लेफ्ट के पार्ट में डिवाइड कर देता है फिर यहाँ से डिवाइड होता है बेटा तो और फोर बॉल्व भी पाए जाते हैं तो राइट अपर वाले को आर्कल और नीचे वाले को वर्टिकल तो राइट आर्कल लेफ्ट आर्कल

मतलब ये ऐसा चैम्बर है जो ब्लड को रिसीव करता है चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे वो डिऑक्सीटेड ब्लड हो राइट जो आर्कल डीड ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट आर्कल जो है आ, क्या करता है प्योर ब्लड को रिसीव करता है ठीक है और क्या कर डिफरेंट वेंटिकल्स जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द हॉर्ट होते हैं ठीक है ऑफ द चेंबर्स राइट वेंटिकल एंड लेफ्ट ला, वेंटिकल्स के फॉर्म में दो मिलेंगे याद रहना चाहिए आर्टिकल टू वेंटिकल सेप्टम जो है वो क्या करता है ब्लड को फ्लो करता है आर्टिकल से वेंटिकल में इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम आर्टिकल टू अनदर आर्टिकल एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल में ब्लड को फ्लुएंसी को रोक देता है सेप्टम

ठीक बाइक एप्सिड वॉल प्रेजेंट होता है लेफ्ट ऑरिकल में एंड राइट वेंटिकल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट इसी तरह वॉल प्रेजेंट होते हैं राइट ऑरिकल एंड राइट वेंटिकल पे ठीक है जो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ द ब्लड राइट ऑरिकल टू राइट वेंटिकल पल्मोनरी वॉल जो प्रेजेंट होते हैं बेस्ड ऑन द पल्मोनरी आर्टरी एंड इट अलाउ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंटिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड प्रेजेंट होते हैं पॉइंट रीजन अरोटा जो प्योर ब्लड को पंप करता है ठीक है लेफ्ट से पंप करेगा ठीक है और ये किस में किसमेंगे अरोटा में जो फ्लो करेगा वेंटिकल्स में अरोटा एंडहॉट तो क्लस्टर ऑफ सेल्स सिचुएटेड द अपर पार्ट ऑफ द राइट ऑरिकल कॉल्ड क्या बोलेंगे उसको सेन्यू नोड या एसनो ऐसे नोड कोऑर्डिनेट करता है हार्ट बीट को जनरेट करता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जिसे हम क्या बोलते हैं नेचुरल बोला जाता है नोड डिफेक्ट हो जाए तो हॉट पाएगा तो कभी फास्ट करेगा कभी स्लो करेगा तो कॉम्बिनेशन आप बोथ हो जाएगा ठीक है तो ब्लड वेसल्स इन द हार्ट ब्लड वेसल्स इंटायरिंग लिविंग हार्ट कॉल्ड द ग्रेट ब्लड वेसल्स दीज आर फॉलो केवा और केवा से ब्लड एंटर करता है और से एंड से भी ठीक है इसके बारे में हम डिबेट कर लेते हैं तो आपके सामने ये डायग्राम है जिसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल दोनों है बेटा तो देखो ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हार्ट है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है तो इसमें मैंने ये बताया कि ये जो पार्ट दिख रहा है इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा और ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा ये अरोटा है ठीक है इसको आर्टरीज़ में डिफ्रेंसिएट होगा ये सारा पाइप और ये आर्टरी है दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी एंड यहां पे लेफ्ट आरिकल हो गया और लेफ्ट वेंटिकल हो गया ये अपर साइड लेफ्ट ये रहा और ये रहा ये राइट राइट आरिकल हो गया ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया ये क्या बोलोगे राइट ऑरिकल इसे बोलोगे लेफ्ट ऑरिकल इसे क्या बोला जाएगा राइट right वेंटिकल इसे बोला जाएगा लेफ्ट वेंटिकल ओके और एक्सटर्नल हो गया ये पल्मोनरी वेन्स है जो प्योर ब्लड ले आएगा और ये राइट right ऑरिकल आपको समझ में सुपीरियर वेना केवा जिसकी ओपनिंग कहाँ होती है अपर राइट ऑरिकल में होती है और यहां से पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आते हैं और यहां से भी आते हैं और किस में आते हैं आर्ट राइट ऑरिकल में वहां से वॉल्व के थ्रू देखो यहां पे ये राइट ऑरिकल हो गया ठीक है और ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया ये राइट वेंटिकल हो गया ये लेफ्ट वेंटिकल हो गया तो यहां पे पूरे ब्लड आते हैं ठीक है सुप्रियर विना कहवा यहां से पूरा ब्लड आया और ये कौन सा है ट्राई कैप्सिड वॉल्व हो गया दिस इज अ ट्राइकेप्सिड वॉल्व जो ओपन होगा और डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को किस में भेज रहा है राइट right वेंडिकल में ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है ठीक है और वॉल्व का, काम ही होता है कि वो वन डायरेक्शन में उसे फ्लो कराए ठीक है ठीके? दो डायरेक्शन में नहीं फ्लो करता अगर ब्लड इससे आ गया तो वो वापस उस राइट right आर्कल में नहीं जाएगा और यहां से ब्लड फिर किस में जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है और पल्मोनरी आर्टरी में देखोगे दो डायरेक्शन है एक लेफ्ट लंग्स में जाएगा राइट right लंग्स में जाएगा और ये कहा ले जाएगा लेफ्ट लंग्स में जाएगा, ठीक है? लेफ्ट और लंग्स में ले जाके वहां oxygenated blood, जैसे ही जाकेटेड बनेगा पल्मोनरी वेन वहां से जाके ब्लड को ले आएगी वापस और ये पल्मोनरी वेन यहाँ पे भी है जो राइट से ब्लड को ले आएगा वापस और दोनों लाके कहा देंगे लेफ्ट ऑरिकल को दे देंगे ठीक है लेफ्ट ऑरिकल के पास कौन सी बाई कैप्सिड वॉल्व होता है जो ब्लड को पंप कर देगा किसमें लेफ्ट वेंटिकल में और लेफ्ट वेंटिकल से वो यहाँ से ब्लड आ गया तो ये चम्बर जब कंट्रैक्ट करेगा रिलैक्सेशन होगा तो पंप कर देगा अरोटा में किसकी वजह से अरोटिक वॉल्व तो ये जो पल्मोनरी में वॉल्व लगा है ये पल्मोनरी वॉल्व हो गया जो अरोटा में वॉल्व लगा है वो अरोटिक वॉल्व हो गया इसको सेमी लूनर वॉल्व भी बोलते हैं अरोटिक सेमी लूनर वॉल्व पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व या अरोटिक वॉल या पलमनरी वॉल बोल सकते हो ठीक है और यहां से ब्लड पंप होके अरोटा में जाता है अरोटा पूरे आर्टरीज को देके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है आई होप आपको ये दोनों जो फिगर है डायग्राम है आपको ये समझ में आया होगा ठीक है ठीक है ओके तो एक बार रिवीजन देख लो बेटा ये हमने बताया देखो हार्ट का जो चेम्बर्स है कितने लेयर से बाउंडेड है हार्ट डबल लेयर से बाउंडेड है जिससे कौन से मसल्स का बना है तो कार्डिक मसल्स का बना है दोनों के बीच में दो लेयर से बाउंडेड है दोनों के बीच में फ्लूड मिलेगा जिसे क्या बोलोगे पेरी कार्डियल फ्लूड जो इंजरी होने से हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और हार्ट कैसा ऐसा है मस्कुलर पम्पिंग ऑर्गन है जो ब्लड को सिर्फ पंप करता है ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता है लंग्स गैसियस इंप्योरिटीज को हटाता है लाइक सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठीक है इसलिए लंग्स को एस्कटरी सिस्टम का पार्ट मान सकते हैं नहीं तो किडनी मेन किडनीटरी सिस्टम का पार्ट होता है ठीक है जो ब्लड प्योरीफाई द ब्लड लंग्स एंड किडनी किडनी इज द मेन सर्कुलेट तो एस्क्रेटरी पार्ट ऑफ द बॉडी ओके एंड हार्ट क्या करता है ओनली पंप द ब्लड फ्रॉम लंग्स वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इसमें दो बार हार्ट ब्लड को पंप करता है एक uh, कहाँ पंप करेगा हमारे पूरे बॉडी में और एक जगह कहाँ करेगा पूरे लंग्स uh, में जाएगा लेफ्ट लंग्स और राइट right लंग्स में ठीक है तो डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है बेटा सुपेरियर बेना कहवा इंफीरियर बेना कहवा कहा से ब्लड को रिसीव करेगा तो सुपीरियर और इंफीरियर ब्लड केवा से डिऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से रिसीव करेगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होगा और डीऑक्सीनेटेड मतलब अब ब्लड विच लैक ऑफ ऑक्सीजन ठीक है जिस ब्लड में ऑक्सीजन की लैकनेस होती है उसमें सीओ टू ज्यादा होता है उससे हम डिऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है ठीक है उसे हम ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं क्लियर है ऑक्सीनेटेड ब्लड किससे रिसीव किया जाएगा तो पलम uh, किससे होगा लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड आते हैं कहाँ से लंग्स टू हार्ट में ठीक है तो इसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है क्योंकि हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स uh, में ब्लड जाता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पे आने आ जाता है पल्मोनरी के थ्रू आ जाता है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और इसलिए हार्ट में भी बोला जाता है कि डबल सर्कुलेशन हो रहा है ठीक है एक लंग्स टू लंग्स से पूरे हार्ट में आता है और लंग्स से लंग्स uh, हार्ट uh, से लंग्स जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और पल्मोनरी वेन के थ्रू प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो एक्सेप्स में दो ही आर्टरी है देखो एक ही आर्टरी है जो डी ब्लड को कैरी करता है वो है पल्मोनरी आर्टरी जो डी ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है लंग्स में पहुंचाता है सॉरी और कोशिश को करता है ब्लड के थ्रू इनफीरियर वेना के डी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड क्रोनरी आर टी जो है सप्लाई करती है ब्लड को टू द कार्डिक मसल सेल ऑफ द हॉर्ट ठीक है तो आपको ये चैप्टर्स पढ़ के मजा आया होगा अगले चैप्टर्स अगले लेक्चर्स में हम हॉट नेचुरल पेस मेकर के बारे में पढ़ेंगे और ये इसको एक बार आप रिवाइज कर लेना ब्लड के कंपोनेंट्स को इंटरनल और एक्सटर्नल हॉट को और डायग्राम जरूर बना लेना एग्जाम के लिए आपके बेनिफिशरी होते हैं तो थैंक यू फॉर व्यूइंग कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहा है और मैं और वीडियोस आपके लिए इंप्रूव करके बनाता रहूँ बेटा तो आर्टरी चेम्बर्स होता है ठीक है सेप्टम जरूर याद रखना सेप्टम नहीं याद रखोगे तो बोलेगा है और अरोटिक वॉल सेमिनुलर वॉल भी बोलते हैं अभी सिंपल में ये आप कह सकते हो कोई इशू नहीं है कौन सा चैम्बर ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है तो राइट आर्कल और कौन सा चैम्बर ऑक्सीनेट uh, देखो डीऑक्सीनेटेड राइट ऑरिकल जो है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट ऑरिकल जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है ठीक है ओके बाय टेक केयर थैंक यू फॉर व्यूइंग